रिपोर्टर्स लाइव में सबसे पहले जानेंगे कि रायपुर शहर में आज दिन भर क्या गतिविधियां होने वाली हैं और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से हमारे सहयोगी रामकुमार नायक, जो हमें बताएंगे कि आज दिन भर मुख्यमंत्री की क्या गतिविधियां रहेंगी, आपराधिक जगत में क्या हलचल है और क्या कुछ है जो शहर में होने वाला है। राम, बताइए कि आज क्या राजनैतिक हलचल होनी है, दिन भर क्या गतिविधियां होनी है? ये देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर और दुर्ग के जिले के दौरे पर रहेंगे। वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डे भवन में उसका अवलोकन करने वाले हैं। उसके बाद जो राजीव गांधी क्लब के जो सदस्य हैं, जो जो कई युवाओं को इसमें इसके माध्यम से जोड़ा गया है, उनको राशि वे जारी करने वाले हैं। पहली बार इससे पहले राजीव व मितान क्लब के सदस्यों को 25,000 की राशि पहले किस्त में दी गई थी, तो फिर एक बार फिर से उन सभी सदस्यों को एक बार फिर 25,000 की राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रति राजीव व मितान क्लब के हिसाब से राशि जारी करने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग 2:30 बजे के आसपास दुर्ग जिले के लिए रवाना होंगे और वहां सतनामी समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना भिलाई लौट जाएंगे। तो ये तो रही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिन भर के दौरे की बात। वहीं एक और बड़ी खबर की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेजों की आज एक समीक्षा होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इसके समीक्षा करने वाले हैं। इस बैठक में जो जो कॉलेज के अधीक्षक हैं, डीन हैं, वे भी इस बैठक में शामिल होंगे और साथ में इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी कि चिकित्सा से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनको अध्यापन में किस प्रकार की परेशानी आ रही है, उनको लेकर भी टीएस सिंहदेव जी निर्देश भी दे सकते हैं। साथ में जो जो मेडिकल कॉलेज है उसमें इलाज की क्या सुविधाएं हैं और सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर भी इस समीक्षा के दौरान में उसको निर्देशित स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करने वाले हैं। वहीं आज बात किया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज दूसरा दिन है। आज जो 8 जागरूकता रैली को संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथे जो रायपुर जो जिले के अलग अलग स्थानों पर पहुंचने वाली है और वे जो यातायात से संबंधी जो जितने जो नियम कानून है उसके बारे में आम जनता को बताने वाले हैं। साथ में किया गया है इसमें नुक्कड़ सभा का आयोजन करके जो जो लोगों को यातायात नियमों में बताया जाएगा। साथ में उनको ये हिदायत भी दी जाएगी कि नियम को पालन करें, अन्यथा कैसे उस जुर्माने के शिकार हो सकते हैं। इसको लेकर भी लगातार रायपुर पुलिस और यातायात विभाग के जो पुलिस है वे इस पे काम कर रहे हैं और सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज दूसरा दिन है। वहीं रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे की मंडल स्तरीय की आज बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ के सभी सांसद इसमें शामिल होने वाले हैं और साथ में जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमने देखा कि रेलवे की जो लेट लतीफी के मामले हमेशा सामने आते हैं और जो टिकट के बढ़े हुए दाम की भी बात हमेशा होती है, तो इसको लेकर भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होने वाली है। साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस जो एक नई सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है तो उसको लेकर भी इसमें बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ में आज ये बैठक अभी शुरू हो गई है, WRS के DRM ऑफिस में एक बैठक शुरू हो रही है और साथ में ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रेलवे आज के बैठक के बाद क्या बेहतर काम करेगी इसके भी समीक्षा होना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी रामकुमार नायक, जो हमें बता रहे थे कि आज युवा दिवस पर रायपुर शहर में डे भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि स्वामी विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया है। मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही आज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और वो मेडिकल में क्या परेशानियां आ रही हैं शिक्षकों को, इस पर उनकी समीक्षा बैठक रखी गई है और साथ ही क्या तैयारियां हैं आगामी रणनीतियों को लेकर इस पर